बलरामपुर से बढ़ने जा रही यात्रियों से भरी बस NH 733 हाईवे पर लकवा के पास बनी पुल के रेलिंग को तोड़ते हुए गहरे खाई में कूद गई। जब तेज रफ्तार बस पुल के रेलिंग को तोड़ते हुए गहरे खाई में कूदी तो बस में 36 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि बस चलाने के दौरान बस चालक की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ। तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बस की हालत गहरे खाई में गिरने के बाद हुई है, जिस तरह से बस के परखच्चे उड़ गए हैं, उसमें सवार यात्रियों की किस तरह से हालत हुई होगी। हालांकि जानकारी के अनुसार पता ये चला है कि बलरामपुर डिपो की बस, जिसका नंबर UP 47T 2648 है, जो कैसरबाग लखनऊ से बढ़नी जा रही थी, जो सुबह 5 बजे लखनऊ से बलरामपुर पहुंची थी, जहां से बलरामपुर में यात्रियों को उतारने के बाद बढ़नी के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में बस चालक की अचानक से तबीयत बिगड़ने के बाद बस पुल के रेलिंग को तोड़ते हुए सड़क किनारे गहरी खाई में कूद गई, जिस दौरान बस में सवार 36 यात्रियों में एक यात्री की वही मौके स्थल पर मौत हो गई, जबकि एक यात्री की बलरामपुर के जिला मेमोरियल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। हालांकि बाकी के 34 यात्रियों की इलाज जारी है, जिसमें से डॉक्टरों के द्वारा एक दर्जन से अधिक यात्रियों की हालत को गंभीर बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें बस के खाई में पलटने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के कार्रवाई और आसपास के लोगों की, तो जैसे ही इस घटना की जानकारी आसपास के लोगों को हुई, वैसे ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस जब बस को खाई में देखी तो उसके भी हाथ पैर फूल गए। स्थानीय पुलिस के द्वारा जिले के अधिकारियों को तत्काल मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद जिले के आला अधिकारियों के साथ कई थानों की पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके स्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में जुट गए, जिन्हें बस के अंदर से बाहर निकालकर इलाज के लिए बलरामपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना में अभी तक 2 यात्रियों की मौत हो चुकी है और 34 यात्रियों में एक दर्जन से अधिक यात्रियों को गंभीर बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एडिट, उत्तर प्रदेश। सरिया जहां लोकाहवा के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, इसमें कई लोग घायल बता रहे हैं, क्या स्थिति है और मेडिकल टीम ने किस तरह से यहां पे? जो हमारे दोस्त हमारी सुबह जब इंफॉर्मेशन मिली तो हमारी 4 BLS और 2 NS यहां पे आ गए स्पॉट पे। जो कम सीरियस बट मामूली चोटे थे उन्हें उन लोगों ने तुलसीपुर से 80 लेकर गए। जो उनको लगा कि कुछ सीरियस है उनको जिला मेमोरियल अस्पताल लेकर गए, जहाँ पर एक ड्राइवर की स्थिति सीरियस थी, जिसको कि मेडिकल कॉलेज बहराइच के लिए रिफर किया गया। कुल 8 तुलसीपुर गए थे, 10 पहले मेमोरियल को गए थे, इसमें भी बहराइच का जो ड्राइवर था वो सीरियस था, बहराइच भेजा गया। 2 एक कैजुअल्टी यहाँ पे हुई है, ऑन स्पॉट एक कैजुअल्टी है। एक व्यक्ति सीरियस था, जिसको भी मेमोरियल भिजवाया है, वहाँ जाकर देखूंगा कि उसकी स्थिति क्या है। 36 लोगों की यहाँ सूचना मिली, लेकिन अस्पतालों में हमारे जो है 12 लोग अभी 10 पहले गए थे, 8 इधर, 18 लोग गए थे, जिसमें से एक और यहाँ से सीरियस भेजा गया, एक डेड बॉडी है, बाकी लोग मामूली रहे होंगे, निकले होंगे, चले गए होंगे अपने घर।